मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज सचिवालय कर्मचारियों के बीच थी, जहां उन्होंने कर्मचारी संघ की नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री जब भी सचिवालय कर्मचारियों के बीच गई, उन्होंने कर्मचारियों को कुछ न कुछ सौगात दी, लेकिन इस बार सरकारी खजाने की सेहत नासाज होने के चलते उनके हाथ भी बंधे हुए दिखाई दिए। प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों में सचिवालय कर्मचारी संघ की खासी अहमियत है। कारण ये कि यहाँ पर हर कार्यक्रम में आमतौर पर मुख्यमंत्री शिरकत करते हैं और शिरकत करने के साथ ही मुख्यमंत्री इन कर्मचारियों को सौगात भी देते हैं। बुधवार को भी सचिवालय कर्मचारियों को यही उम्मीद थी और इसीलिए कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाने सीएम पहुंची तो अध्यक्ष शिवजीराम जाट ने अपनी मांगों का चिट्ठा सीएम के सामने रख दिया। सीएम ने भी कर्मचारियों को हमेशा तवज्जो देने की बात कही तो उन्हें अपने परिवार के समान बताया। साथ ही खजाने की सेहत का ध्यान रखते हुए इशारों में ये भी कह दिया कि सरकार के खजाने की सेहत नासाज है। हालांकि सीएम ने इतना जरूर कहा कि ऐसी सूरत में उनकी कोशिश यही रहती है कि जिस काम में ज्यादा पैसा खर्च ना हो वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, और यही कारण है कि सरकार ने डीपीसी, पे फिक्सेशन, सीनियरिटी जैसे रूटीन काम जल्द पूरा करने के निर्देश दे रखे हैं। कर्मचारियों को इस दौरान सातवें वेतन आयोग पर भी सीएम से कुछ शब्द सुनने की उम्मीद थी, लेकिन इस मामले में उन्हें मायूसी हाथ लगी। 2003 से लेकर 2008 और अब 2013 दिसंबर से देखें, अभी 2016 में जो भी हुआ है, आइडियाज तो हो सकते हैं सबके, परंतु आप लोगों के बिना ये कुछ भी नहीं हो सकता था। और अगर हम सबकी इज्जत रखने का काम किया है तो उसमें आप लोग सबने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसकी वजह से लोग इस सचिवालय का लोहा मानते हैं। सचिवालय कर्मचारियों के बीच जाने से पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सीएमआर पर आज अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों से भी मिली, जहां मीणा और मीना विवाद का पटाक्षेप करने को लेकर अनुसूचित जनजाति समाज ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने निजी स्वार्थों के चलते मीणा और मीना अनुसूचित जनजाति समाज ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने निजी स्वार्थों के चलते मीणा और मीना विवाद को कथित रूप से जबरन तूल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोट बंद किया तो काले धन वालों में हड़कंप मच गया, लेकिन इसके साथ ही कई जनधन अकाउंट ऐसे थे जो कि नोटबंदी के बाद करोड़ों रुपए से भर गए। पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले के बाद से कालाधन वालों में हलचल मची हुई है। आलम यह है कि जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में अब काली कमाई जमा होने लगी है। चुरू के बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जनधन खातों में करोड़ों रुपए जमा हो गए हैं। जनधन योजना के एक एक खाते में 2.5 लाख तक जमा हो गए हैं। वहीं बैंक इन अकाउंट्स पर नजर बनाए हुए है। छानबीन में उजागर हो रहा है कि फैक्ट्री कारखाना मालिक अपनी फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूरों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं। दो वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए जूझते लोगों को रातों रात लखपति बनते देख बैंकर्स की आंखें फटी की फटी रह गई। जनधन खातों में अचानक बढ़ रहे ट्रांजैक्शन को लेकर सरकार को खबर कर दी गई है और बैंकों को जनधन योजना के खातों में डाले और निकाले जा रहे लाखों रुपए पर खास नजर रखने के निर्देश जारी हुए हैं। देखा यह गया है कि कुछ खातों में असामान्य राशि जमा हो रही है। जहां तक बैंक का सवाल है, बैंक 50,000 इससे अधिक की जमा राशि पैन कार्ड होने पर ही स्वीकार कर सकता है, इससे कम राशि जमा कराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जनधन योजना में जो अकाउंट्स खोले गए, ज्यादातर अकाउंट्स मजदूर तबके के लोगों के हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये जो करोड़ों रुपए यहाँ पर जमा हो रहा है, ये काला धन है। इसे लेकर के अब बैंकों के भी कान खड़े हो गए हैं और अचानक से जिन अकाउंट्स में करोड़ों रुपए जमा हो रहे हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जोधपुर के शेरगढ़ के चीजा खास में प्रभु सिंह के शहीद होने के बाद गांव में घर पर गम का माहौल है, तो साथ ही गांव वालों में जोश भी है कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं और 300 के बदले 300 मांग रहे हैं। जोधपुर के खिरजा गांव के लोगों ने दूसरा विश्व युद्ध भी लड़ा था। यहां के लोग दूसरे विश्व युद्ध में भी शहीद हुए थे और एक शहीद और जम्मू और कश्मीर में हुआ है प्रभु सिंह, उसको लेकर कल उनका पार्थिव शरीर जोधपुर पहुंचेगा और जोधपुर पहुंचने के बाद उनके गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें सेना और राजनेता सभी शामिल होंगे और साथ ही हजारों की संख्या में ग्रामीण भी इकट्ठे होंगे। बहुत ही अनुदा करके मेरा एक लोटा मेरा खो दिया मैंने।
मैं भी फिर गया आर्मी में नौकरी, फिर भी बन गया मेरा इकलौता बच्चा खो दिया। देखो साहब देश के लिए शहीद हुआ तो बहुत समान मन मेरा इकलौता दर का तो खो दिया मैंने तो देश के लिए। पाक को तो सड़े से बदला लेना चाहिए, मैं तो आकर जाकर के आर्मी में दोबारा ड्यूटी करने के लिए तैयार हूँ और उनसे बदला देने के लिए भी तैयार हूँ। देश के सपूत प्रभु सिंह की शहादत पर कल जोधपुर उमड़ पड़ेगा और यहाँ पर राजनेता और मंत्री भी आएंगे, लेकिन सभी की एक ही मांग है कि पाकिस्तान से बड़ा बदला लिया जाए और उसे सबक सिखाया जाए। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली सहित एनसीआर में कम आयु में मृत्यु दर का आंकड़ा बढ़ा है, जिससे एनजीटी सहित परिवहन विभाग भी खासा चिंतित है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली सहित पूरे एनसीआर के शहरों में बढ़ते वाहन प्रदूषण से चिंतित है। इन शहरों में प्रदूषण के कारण कम आयु में मृत्यु दर बढ़ रही है। एनजीटी के इस आदेश से दिल्ली से सटे एनसीआर में शामिल भरतपुर जिले में भी 15 साल पुराने 1.5 लाख से ज्यादा वाहनों को सड़क से हटाने की कवायद परिवहन विभाग ने शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग ने पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया है, जिससे 15 साल पुराने वाहनों को जिले में संचालन नहीं होगा। भरतपुर सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में करीब 4 लाख दुपहिया और तिपहिया और चौपहिया वाहन संचालित है, जिनमें 2.5 लाख तो दुपहिया वाहन है। वाहनों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य जहरीले धुएं दूसरा बढ़ा रहे हैं। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की छटनी का काम शुरू कर दिया है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में ऐसे 1.5 लाख वाहन चिंतित किए गए हैं। जहरीले धुएं से रोगियों की तादाद भी निरंतर बढ़ रही है। पिछले 5 वर्षों में भरतपुर और आसपास के उपखंड में ग्रामीण इलाकों में दमा, नेत्र और चर्म रोगों की संख्या बढ़ी है। इससे अनिद्रा, श्वास लेने में परेशानी, साइना जैसे रोगों की संख्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली के बाद अब एनसीआर में भी वाहन प्रदूषण पे लगेगी लगाम। परिवहन विभाग जिले के 4 लाख वाहनों में से 1.5 लाख को करेगा सड़क से बाहर, 15 साल पुराने वाहनों को किया जाएगा सड़क से दूर। परिवहन विभाग ने किया नोटिस जारी। कोटा की डीसीएम नहर में हुआ है बड़ा हादसा। नहर में नहा रहे 3 बच्चे पानी के बहाव में डूब गए हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बच्चों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कोटा डीसीएम इलाके में नहर पर हुआ है बड़ा हादसा। नहर में नहा रहे 3 बच्चे पानी में डूब गए। तीनों को ढूंढने के लिए निगम का रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर चल रहा है, लेकिन तीनों बच्चों का कुछ पता नहीं चल पाया है। नहर में पानी का बहाव काफी तेज है, ऐसे में रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद है। बताया जा रहा है कि 5 बच्चे नहर में नहा रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ। 2 बच्चे किसी तरह से बच निकले, लेकिन 3 पानी के बहाव की चपेट में आ गए और ये हादसा हुआ। ये हादसे के शिकार 3 बच्चे जिनमें से 2 सगे भाई हैं। परिवार का बुरा हाल है, क्योंकि कई घंटे बीत चुके हैं हादसे को और बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं लगी है। रेस्क्यू टीम के हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। चार ना रहते, एक बचा रहता, जो तो खट गया था, एक खट गया था और बाकी के 3 वो तीनों डूब गए। तो कोई बचाने नहीं आया, कोई था नहीं। क्या नाम था? क्या नाम था उनका? तीनों एक तो पवन था, एक हो गया एक सूरज। आज लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास 5 बच्चे नहर पे नहाने के लिए आए थे। उसमें योगेश और पवन जो प्रेम नारायण के बेटे हैं, जिनकी उम्र 14 साल और 16 साल है, और तीसरा बच्चा जो सूरज है, राजू का बेटा है, जिसकी उम्र 17 साल है, और भी है कि ये पानी में बह गए हैं और रेस्क्यू टीम है वो बचाव के लिए लगी हुई। नहर में बहाव काफी तेज होने की वजह से रेस्क्यू टीम को भी खासी दिक्कतें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में पेश आ रही है। हालांकि उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि बहाव काफी तेज है, लेकिन रेस्क्यू टीम की कोशिशें जारी है। 4 दिन से लापता कोचिंग छात्र आशीष का शव चंबल नदी में मिल गया है। आशीष सबसे 4 दिन पहले अपने माता पिता के नाम सुसाइड नोट छोड़ करके लापता हो गया था, जिसमें अपने परिवार की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाने की बात कही थी। आशीष पढ़ाई को लेकर के तनाव में था। मैं जा रहा हूँ मम्मी पापा, वापस नहीं लौटूंगा, मुझे माफ करना, आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया। ये आखिरी खत था छात्र आशीष का। तो एक आखिरी मैसेज मोबाइल के जरिए आशीष ने अपने साथी मित्र को भी किया कि वो अब वापस नहीं लौटेगा। उसे चंबल में ढूंढे और वही हुआ जिसका डर था। आज आशीष का शव चंबल नदी में मिला। आशीष को बड़ी उम्मीद के साथ, अपेक्षाओं के साथ उसके परिवार ने बिहार के मुजफ्फरपुर से इंजीनियर बनने भेजा था, लेकिन माँ बाप की उम्मीदों का दबाव नहीं सह पाया आशीष और उठाया ये कदम। बीते 4 दिन से आशीष की तलाश चंबल नदी में की जा रही थी। इस साल अब तक 17 कोचिंग छात्र मौत को गले लगा चुके हैं।
कोचिंग संस्थान अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से पूरा कर पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, तो समझना माँ बाप को भी होगा कि अपने बच्चे पर उम्मीदों का बोझ इतना ना डालें कि वो डिप्रेशन में आ जाए और इस तरह का कोई कदम उठा ले। सरदार शहर में रेप पीड़िता की मदद करने वाले वकील पर फेंका गया तेजाब, वकील की हालत गंभीर, हमलावर भी आया तेजाब की चपेट में। विरोध में सरदार शहर बार संघ ने किया कार्य बहिष्कार। चूरू जिले के सरदार शहर में एक वकील पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घर में घुसकर वकील पर तेजाब फेंका गया। तेजाब फेंकने की वजह से वकील महेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे नाजुक हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एक दुष्कर्म पीड़िता की मदद करने को लेकर इसे निशाना बनाया गया। खुलासा हुआ है कि तेजाब फेंकने वाले हमलावर राकेश के पिता जोराराम पर कोर्ट में रेप का मामला चल रहा है, जिसमें पीड़िता की पैरवी एडवोकेट महेंद्र भी कर रहा है, जिससे गुस्साए राकेश ने वकील महेंद्र के घर में घुसकर तेजाब से हमला कर दिया। तेजाब फेंकने के दौरान हमलावर भी तेजाब से झुलस गया, जिसका इलाज राजकीय अस्पताल में चल रहा है। वहीं वकील पर हमले के विरोध में सरदार शहर बार संघ ने कार्य बहिष्कार कर दिया। वकीलों ने बैठक कर एसिड अटैक की निंदा की और आरोपी की पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया। फोन बुलाया कि महेंद्र सिंह और सीनियर एडवोकेट के घर जोराराम के लड़के ने घुस करके उनके ऊपर तेजाब डाल दिया। तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, प्रथम उपचार करवाया वकील का। प्रथम उपचार के बाद 45% के लगभग वो डीप बर्न थे, लेकिन खतरे से बाहर थे। उनको तुरंत वहां से प्रथम उपचार के बाद जयपुर रेफर किया। हमलावर रेप मामले में पीड़िता की मदद करने पर वकील से नाराज था, तो वहीं इस हमले के बाद सारे वकील भी लामबंद हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल वकील के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। सरकार जिस पृथ्वीराज नगर को नियमित करके अपनी सबसे बड़ी जीत दिखा रही थी, उस पृथ्वीराज नगर का नियमन पिछले 1.5 साल से अटका हुआ है, और इस अटके हुए नियमन को लेकर न तो JDA कुछ कर पा रहा है और न ही UDH विभाग। UDH मंत्री का अभी साफ तौर पर कहना है कि अब कैबिनेट में ही इसे लेकर कोई न कोई फैसला होगा। पृथ्वीराज नगर योजना के नियमन का फैसला लेकर भले ही भाजपा सरकार ने पीठ थपथपा ली हो, लेकिन वास्तविक हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। इन योजनाओं में नियमन शिविर में अड़चने आने के चलते लगातार शिविर स्थगित होते जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों को पट्टों से महरूम होना पड़ रहा है। वहीं कॉलोनी में सीवर, पानी, बिजली, रोड लाइट सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। अब तक JDA ने इस योजना क्षेत्र में 25,590 पट्टे जारी किए हैं, लेकिन इलाके की जनता और जनप्रतिनिधि दोनों ही अब इसे लेकर त्राहिमाम कर रहे हैं। दरअसल नियमन शिविर प्रभावित होने के मुख्य कारण और उसका हल निकालने के लिए अब तक उठाए गए कदम कुछ इस प्रकार हैं कि नियमन दर पर स्टैम्प ड्यूटी की छूट की अवधि 30 सितंबर को खत्म होना, इस संबंध में JDC ने अवधि बढ़ाए जाने को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा है। वही नियमन को लेकर आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए एम्पावर्ड कमेटी की बैठक भी जल्दी बुलाने के लिए पत्र भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। योजना क्षेत्र में सेक्टर रोड में आ रहे छोटे बड़े अतिक्रमणों को चिन्हित करने को कहा गया है और उस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने को भी निर्देश दिए गए हैं। 20,000 से ज्यादा लोगों का पट्टा दे चुके हैं, लेकिन उन शिविरों के अंदर आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए कमेटी बनी हुई है, जिस कमेटी की मीटिंग हमने ली है और समझता हूँ कि कैबिनेट में हम ले जाकर के जल्दी जो नेक्स्ट कैबिनेट होगी कैबिनेट में ले जाकर के पृथ्वीराज नगर के इलाके में पट्टे में जो तकलीफ है उन सारी तकलीफों का निराकरण हम जल्दी कर लेंगे। पृथ्वीराज नगर के नियमन में गृह निर्माण सहकारी समिति भी बहुत बड़ा राह का रोड़ा है, क्योंकि ये अपने रिकॉर्ड टाइम पर नहीं जमा करवा पाते, जिसकी वजह से भी नियमन रुक जाता है। अजमेर नगर निगम में ACB की कार्यवाही, रिश्वतखोर सफाई निरीक्षक चढ़ा ACB के हत्थे, भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए मांगी थी रिश्वत। फिर ACB को धोलाबाटा निवासी भगवान सिंह चौहान ने शिकायत दी थी कि अजमेर नगर निगम का सफाई निरीक्षक पन्ना लाल उससे भवन निर्माण को नियमानुसार नहीं बताते हुए रिश्वत की मांग कर रहा है। चौहान के अनुसार पन्ना लाल ने उससे 2,000 रूपए पहले ही वसूल कर लिए थे। शिकायत के सत्यापन के बाद आज जब ACB ने जाल बिछाया तो पन्ना लाल को 3,000 रूपए की रिश्वत लेते नगर निगम भवन में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। तो पन्ना लाल जो है सफाई निरीक्षक है जो अपने नगर निगम अजमेर में, वो क्योंकि एक मेरा प्रथम तल का एक मरम्मत और निर्माण कार्य चल रहा है, उस
उसको अवैध बताते हुए ये कहा कि या तो उसकी स्वीकृति लाओ नहीं तो 5,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग ली। इस पर जो है उसका वेरिफिकेशन कराया गया। वेरिफिकेशन के दौरान पन्नालाल जी ने 2,000 रुपए वो प्राप्त कर लिए। आज दिनांक को जो शेष 3,000 रुपए थे वो लेते हुए इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई जारी है। अजमेर नगर निगम के कर्मचारियों पर रिश्वत के आरोप कई बार लगते रहे, लेकिन पहली बार है कि निगम में इस तरह की कोई कार्रवाई को एसीबी द्वारा अंजाम दिया गया। रोज वैली ग्रुप कंपनी एक बार फिर से विवादों में, और विवादों का कारण है निवेशकों ने जिस तरीके से इस कंपनी में निवेश किया था वो उन्हें अब डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के विरोध में ये तमाम लोग आज जयपुर में आए और अपना विरोध दर्ज किया। रोज वैली ग्रुप कंपनी एक बार फिर विवादों में है। रोज वैली ग्रुप कंपनी की योजनाओं में निवेशकों द्वारा लगाए गए इन्वेस्ट की राशि का मिलना 2 से 3 सालों से बंद हो चुका है, जिसे लेकर आज जयपुर में देश भर से आए सैकड़ों निवेशकों ने होटल पार्क प्राइम पहुंचे और फिर पुलिस समझाइश के बाद उन्होंने अशोकनगर थाने में मामले की शिकायत करवाई। निवेशकों का कहना है कि अशोकनगर थाने के अंतर्गत आने वाली होटल पार्क प्राइम रोज वैली ग्रुप कंपनी की ही होटल है, इसलिए सभी अपना पैसा होटल से मांगने आए हैं। दरअसल निवेशकों के आरोप है कि 11 मई 2015 को उच्च न्यायालय कलकत्ता के द्वारा संपत्ति विक्रय कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन अभी भी देशभर में करोड़ों निवेशकों का पैसा अटका पड़ा है। कंपनी आज तरह तरह से बातों को घुमाती है। उनसे बात करो तो वो कहते हैं 2 महीने और रुक जाओ, 3 महीने और रुक जाओ, 5 महीने रुक जाओ, लेकिन हमारे पूरे ऑल इंडिया में 300 से भी ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, आज लोग मर रहे हैं। वो बेचारे जो अपने पेट के लिए रोज वैली के स्कीम पे काम किया है, जिन्होंने एक एजेंट के तौर पर उन्होंने पूरे शासन प्रशासन का समस्त दस्तावेज देखकर काम किया है। निवेशकों का मुद्दा पूरे देश भर में है, लेकिन अचानक से जिस तरीके से निवेशक राजधानी जयपुर में आए उसके बाद पुलिस की अच्छी कसरत हो गई। जेएनयू के एमबी इंजीनियरिंग कॉलेज में आज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों के पूर्व परीक्षा परिणाम को लेकर हंगामा किया। इधर प्रशासन ने कहा है कि जल्द परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जेएनयू में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में आज छात्र और छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। एमबीएम के प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्रों के 1 महीने से अपने सेमेस्टर की कॉपियां री चेकिंग कराने की दी थी, लेकिन 1 महीने तक चेकिंग नहीं हुई तो आज छात्रों का गुस्सा पड़ा। उन्होंने एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के दोनों गेट पर तालाबंदी कर दी। गेट बंद करने के बाद छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच पुलिस और छात्रों में जमकर झड़प हो गई। हालांकि पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इधर छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द परीक्षा परिणाम घोषित करने का आश्वासन दिया है। हम सब फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स हैं। हमारे हर बार रिजल्ट्स लेट आते हैं, जिसकी वजह से हमारे एग्जाम नहीं हो पाते। हम ये नहीं चाहते कभी भी कि हमारे एग्जाम पोस्टपोन हो, पर ये यूनिवर्सिटी अपनी खुद की गलतियां छुपाने के लिए करती है कि बात बात पे एग्जाम पोस्टपोन करा के सारा दोष हम पे स्टूडेंट्स पे डाल देती है। हम ऐसा कतई नहीं चाहते कि हमारे कभी भी एग्जाम पोस्टपोन हो। हम यहाँ टाइम पे डिग्री लेकर जाए। हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बच्चे हैं, सब पढ़ने वाले हैं, आरपीईटी और जेई मेंस में अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए स्टूडेंट्स हैं। भी हमने रिवीज के लिए, रीचेकिंग के लिए हमने कॉपियां भी दी थी, मतलब उसके लिए हमने फॉर्म लगभग 2 महीने पहले भर दिया है, और तब हमारी कॉपियां मतलब चेकिंग के लिए चल जानी चाहिए, मगर अभी तक वो कॉपियां अभी तक वहीं पे बीसी ऑफिस में पड़ी हुई है और कॉपियां अभी तक चेक होने के लिए गई नहीं, जो कि अभी तक वहां पे पहुंच जानी चाहिए थी, और जब हमने स्ट्राइक किया तब जाके ये कॉपियां चेक करने के लिए भेज रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि 3 बार कुलपति से मिल चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं और परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कुलपति ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि छात्रों का आज गुस्सा फड़क पड़ा और उन्होंने गेट पर तालाबंदी कर दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र से प्राचार्य द्वारा मारपीट करने के मामले को लेकर छात्रों में आक्रोश फैल गया और छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर एडीएम को ज्ञापन सौंपा व मांग रखी कि जल्द से जल्द आरोपी प्राचार्य पर कार्रवाई की जाए। हनुमानगढ़ जंक्शन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य द्वारा कल एक छात्र से बेरहमी से पिटाई के बाद आज छात्रों में आक्रोश फैल गया और आक्रोशित छात्रों ने जंक्शन थाना और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर दोषी प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग रखी। घटना के अनुसार विद्यालय के प्राचार्य कुलवंत सिंह ने कल सुरेंद्र नामक विद्यार्थी से बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके बाद परिजनों ने उसको जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया, जहां से परिजन आज उसको वापस घर ले आए। उधर आक्रोशित छात्रों ने प्राचार्य पर कार्रवाई करने और विद्यालय से हटाने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ शर्मा को ज्ञापन सौंपा और 3 दिन में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बेफालतू सर ने मारा है, प्रिंसिपल सर ने मारे और उसके इतने भयंकर लगी थी सर, वो अब अस्पताल में था, उसको कल रात को 1 बजे घर पे लाए हैं। अभी भी उसके पेट में दिक्कत है, सर में दिक्कत है सर, उसका भिड़ा के मारा दीवार के अंदर, पेट में लात मारी है, उसके पांचवे में दर्द है, हड्डी क्रैक हुई नहीं, बाकी उसके अंदर कुछ बचा नहीं है। अब देखो सर इतनी बुरी हालत है, वो अब बेड पे पड़ा है। गलत जगह पे मेरे लात मारी, एक हंसली पे मारी,
और दो तीन मुक्के मेरे सिर में मारे और घायल हो गया, मेरे को पता नहीं था। और मैं जाके हॉस्पिटल में मेरे को होश आया, इलाज वगैरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाया। आपको बता दें कि प्राचार्य कुलवंत सिंह पूर्व में भी विवादित रहा है और पूर्व में भी कई बार शिकायतें हुई हैं और इनके निलंबन की मांग होती रही है। अब देखना होगा कि छात्रों की इस बार की गई शिकायत से प्रशासन क्या कदम उठाता है। पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायत सहायकों के चयन के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं होने और अपनी लंबित मांगों को लेकर डूंगरपुर जिले के सरपंचों में आक्रोश है। इसी के चलते आज जिले के सरपंच अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे। कलेक्ट्रेट में सरपंच संघ ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पंचायतों में पंचायत सहायकों के चयन को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने तथा सरपंचों के मानदेय बढ़ाने सहित अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष सुरमाल परमार का कहना है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक पंचायत में 3-3 पंचायत सहायकों का चयन करना है, लेकिन विभाग की ओर से चयन को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, जिसके चलते अभ्यर्थी पंचायतों में आकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। हमारे पंचायत में पंचायत सहायक की जो भर्ती है, जो राष्ट्र सरकार ने हर पंचायत पर 3-3 लोगों का चयन करने का जो आदेश दिया है, उसमें जो सरकार ने जो आदेश दिया इसमें निश्चित में कोई ऐसा तय नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है कि भाई आप 3 लोगों को लेना, कुछ किन 3 लोगों को लेना है। हमारे यहाँ पर उसने लिख दिया है कि भाई 12वीं पास 3 लोगों को ले लेना। अब 12वीं पास में कौन से 3 लोग हैं? हमारे पास तो पंचायत में सुबह से शाम तक लोगों की लाइन लगी हुई, भीड़ लगी हुई है कि लोग एक ही चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारा आदमी लग जाए। सरपंचों ने साफ कहा है कि या तो समय रहते सरकार इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे, साथ ही सरपंचों की लंबित मांगों को भी जल्द पूरा करे, अन्यथा जिले के सरपंच पंचायतों के कार्यों का बहिष्कार करेंगे। गंगानगर के बीचों बीच से बहने वाली ए माइनर नहर के किनारे बसे कब्जाधारियों के लिए अब हो सकती है मुसीबत। किसान संघ ने की जल्दी अतिक्रमण हटाने की मांग। गंगानगर नहरों की भूमि को मुक्त करवाने एवं प्रदूषण मुक्त बनाने की मांग पर हाईकोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका लगाने वाले भारतीय किसान संघ ने कहा है कि इलाके का अस्तित्व नहरों से है, इन्हें कब्जा मुक्त करना बहुत जरूरी है। संघ के एक शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर से मिलकर उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। संघ ने कहा कि माइनर के सेंटर से दोनों और 62 फीट जगह नहर की है। चीफ इंजीनियर ने 8 अक्टूबर 2015 को एनजीटी में पक्ष रखा था कि अवापत भूमि नहरों की सुरक्षा एवं इनके रखरखाव के लिए अत्यंत जरूरी है, इन्हें इसी के लिए ही अवापत किया गया था। इस जगह से कब्जे हटाकर तार बंदी करना जरूरी है। किसान संघ शिष्टमंडल ने कलेक्टर से आग्रह किया है कि वे कब्जे हटाने के लिए कोर्ट के आदेशों की पालना कर अदालत में रिपोर्ट पेश करे। ज्ञात रहे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जोधपुर बैच ने 8 अक्टूबर 2015 एवं इसके बाद भी समय समय पर जिले की 5 नहरों ए माइनर, मंडी माइनर, जीबी माइनर, बीबी माइनर एवं नूपगढ़ ब्रांच की समस्त जमीन से कब्जे हटाने एवं इसकी तारबंदी करवाने के आदेश दिए थे, जिसमें श्री गंगानगर शहर से निकलने वाली ए माइनर नहर भी शामिल है। जिला कलेक्टर को प्रतिनिधिमंडल भारतीय किसान संघ का मिला था, उनको अवगत करवाया कि कोर्ट के आदेश है कि जो अतिक्रमणकारी इस कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करता है उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और कोर्ट को अवगत करवाया जाए। 2013 से लेकर के लगातार कोर्ट द्वारा समय पर आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जिले की 5 नहरों में से 3 नहरों पर बिल्कुल ही कार्रवाई नहीं की गई है। श्री गंगानगर में ए माइनर के किनारे पे बसे कब्जाधारियों ने प्रशासन का ग्राफ किया था, जिसके चलते कब्जे तोड़ने के काम को रोक दिया गया था, लेकिन कल से फिर प्रशासन ए माइनर के नहर के किनारे पे बसे कब्जों को तोड़ने की तैयारी में जुटेगा। बारह की दर्जन प्रवस्ती में चोरों का आतंक, घरों में चोरी रोकने के लिए रात्रि को महिला करती है गश्त। ये नजारा बारह नगर परिषद के दुर्जनपुरा बस्ती का, जिला मुख्यालय से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर इस गांव नौ बस्ती के किसान रात को बिजली आने पर खेतों में रिलाई करने चले जाते हैं, पीछे से चोर घरों में हाथ साफ कर देते हैं। 15 दिन में आधा दर्जन घरों में चोरी हो चुकी है, पुलिस गश्त नहीं करती, लिहाजा महिलाओं ने रात्रि गश्त की कमान संभाल रखी है। महिलाएं सर्दी की परवाह किए बिना बेखौफ लाठियां उठाए गांव में गश्त कर रही हैं। गांव की महिलाओं का कहना है कि रात 9 बजे से 1 बजे तक गांव में घरों के आगे लाठियां लेकर बैठा रहना पड़ता है, बाद में पुरुषों के खेतों से लौटने के बाद ही घर जाती हैं। पुलिस की गश्त नहीं होने के कारण ये कदम महिलाओं को उठाना पड़ा। गांव में घरों के बाहर रखे सामान चोरी हो रहे हैं, मजबूरन घर की सुरक्षा के लिए रात्रि को महिलाओं को ही पहरा देना पड़ रहा है। यहाँ लाइट लेके ऐसे बैठे हैं कि हमारे रोज चोर आते हैं और गबुलिया काट देते हैं।
लाइटें लेके बैठे हमारा ये कारण है कि रात में 2 बजे भी नहीं देखे, 3 भी नहीं देखे, जेठे भी चोर उड़ जाता है, हमारे भी उड़ गए। मुझे जानकारी में लाया गया था कि इस तरह से वहाँ पर महिलाएं गश्त कर रही है, कोई इस तरह की वहाँ से रिपोर्टेड चोरी का कोई केस भी दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन जो है सभी जगह पर गश्त और निगरानी लगातार जारी है। जब पुरुषों की जिम्मेदारी खेतों में रात्रि के दौरान पानी रिलाई की हो तो महिलाएं बेखूबी से घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही हैं।